हमारा एक और कंटिन्यूएशन है उसके अंदर। जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि उसमें कितनी उसका जो ओवर लीफ रहता है वो लेटेक्स ही होता है, ऑनलाइन वर्जन है लेटेक्स का, ठीक है। तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, अगर ये मैंने एक छोटा सा अपना पीडीएफ बनाया हुआ है लेटेक्स पे, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि हमको कैसे अगर ये सब फाइंड आउट करना है, मतलब हमको एक इमेज इसमें पुट करना है तो हम इमेज को कैसे पुट कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं इस वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन जो रहती है वो रहती है डॉक्यूमेंट क्लास। इसमें पहले मैंने आर्टिकल लिखा हुआ था, अभी जब मैं पेपर बनाऊंगी तो मेरे को यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। यूसेज पैकेज ग्राफिक्स एक्स लिखा हुआ है, ये है ना, हमको कुछ इमेजेस वगैरह इंसर्ट करनी रहती है तो ये लिखना पड़ता है, नहीं तो हम इमेज पुट करेंगे इसमें तो हमें एरर आएगा, ठीक है। ये टाइटल, ऑथर नेम और डेट वगैरह जो थी वो मैंने आपसे कल ही डिस्कस कर ली थी। ये दिख नहीं रहा है पे, अगर आपको इसको देखना है तो हमको कुछ नहीं करना, हमें और उस पर जाना है। कल मैंने बना के जो रखा था, एक मिनट, या राइट। तो इसमें से ये जो है ये हम ये AMSMETH ये यूज़ करते हैं जब हमको कुछ मतलब हमको अगर कुछ मैथ हम यूज़ करते हैं, जब हमको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह लिखनी रहती है। तो जैसे कि ये है मेक टाइटल, इसको हम कॉपी करेंगे, सॉरी। और माय फर्स्ट आर्टिकल के अंदर जाके इसमें हम पुट करते हैं और हम इसको रिकम्पाइल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई है ना, माय फर्स्ट आर्टिकल ऋतु के यार, और 3 नवंबर 2024 डेट, ठीक है। अगर आपको डेट यहाँ पे टुडे कर देंगे, हम कर देते हैं, तो ये अपने आप ही जो भी डेट है वो ले लेगा, ठीक है, जैसे नवंबर 3 2024। लेकिन अगर आप खुद से अपने हिसाब से इसको पहले 3 नवंबर ऐसे लिखना चाहते हैं तो फिर वो वैसे भी ले लेता है, ठीक है। 3 वो आपको नवंबर 24 आप पुट करिए, क्योंकि आप जैसे अगर कोई डॉक बना रहे हैं तो अगर आपको उस दिन का डेट डालना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इस टाइप से आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, जो भी है वैसा ले लेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बिगिन डॉक्यूमेंट। मेक टाइटल मैंने आपको बताया, मेक टाइटल हटा दिया था तो ये जो ऊपर की 3 लाइन थी ये नहीं दिख रही थी। नेक्स्ट हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो उसके लिए और मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्या है बोल्ड भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक backslash टेक्स्ट BF एब्स्ट्रैक्ट लिख के जो भी मेरा लाइन है एब्स्ट्रैक्ट के नीचे आना चाहिए वो वहाँ लिख दूंगी, और ये ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और ये जो डबल बैक स्लैश है इसका मतलब होता है कि ये नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसको डबल ये नहीं लगाऊंगी बैक स्लैश तो क्या होगा, ये देखिए ये डबल बैक स्लैश नहीं लगा तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद इन दिस पेपर वी विल बी, ये अपने आप ही आ जाएगा, है ना, एक ही लाइन में आएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन से आए तो इसीलिए मेरे को डबल बैक स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब मैं इसको डबल बैक स्लैश लगाऊंगी तो ये अपने आप ही नेक्स्ट लाइन एब्स्ट्रैक्ट के बाद वाला नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा इन दिस पेपर, ठीक है। ये दिख रहा है हमको इन दिस पेपर से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। और फिर अगर मेरे को ये एक लाइन कंप्लीट हो गई और मैंने बहुत सारी पैराज लिख ली हैं और मेरे को चाहिए कि ये वाली जो लाइन है ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है, अगर जैसे मैं इसको हटा देती हूँ, जैसे मैं इसको हटा देती हूँ और मैं आपको रिकम्पाइल करके दिखाती हूँ बैक स्लैश नहीं होने पे कैसे दिखता है।
ये देखिए, ये कंटिन्यूशन में ही आ गया है ना, इन दिस पेपर। अब पर मैं चाहती हूँ कि इन दिस पेपर यू विल गेट अ डिटेल्ड इंसाइट अबाउट विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स। और क्या है नेक्स्ट वाली लाइन चाहिए मेरे को, तो डबल स्लैश लगाऊंगी, डबल बैक स्लैश लगाऊंगी मैं, डबल बैक स्लैश, ओके। और मैं इसको रिकम्पाइल करूंगी तो आपको दिखेगा आराम से कि ये जो लाइन है ना, इसके जस्ट नीचे से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स। और अगर मैं दो बार इसको बैक स्लैश लगा दूँ, यहाँ पे दो बार बैक स्लैश लगा दूँ अगर, तो क्या होगा ये भी देख सकते हैं हम। ये दिख रहा है हमको, ये देखिए एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। फिर अब मेरे को बाकी चीज़ें तो हमने कल डिस्कस करी थी, कैसे सब सेक्शन लगाना है और सब सब सेक्शन लगा के हमको ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ कि अगर मेरे को फिगर से इसके अंदर इनपुट करना है तो कैसे करना पड़ता है। तो उसका ये कोड होता है बिगिन फिगर सेंटरिंग इंक्लूडिंग ग्राफिक्स उसकी हाइट और वो जो फाइल है कैप्शंस लेबल्स एंड एंड। ये इस इतना हमको अगर एक फिगर बनाना है तो इतना कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है बिगिन, बिगिन करेंगे फिर हम उसको लिखेंगे फिगर, फिर हमको क्या करना है सेंटरिंग करना है। अब फिर इंक्लूड ग्राफिक्स, तो ये यहाँ पे हमने इसका यूसेज पैकेट ग्राफिक्स एक्स लिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं फिगर को, लेकिन अगर मैं ये नहीं लगाती तो फिर नहीं हो पाता, ठीक है, ये एरर दे देता। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी फिगर है मेरा, जैसे यहाँ पे मैंने पहले एक फिगर लगा के रखा, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, तो क्या करूँगी, सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर दूंगी, ये डिलीट किया मैंने इसको, लेकिन अब मुझे इसमें एक दिस फाइल इज करेंटली, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ, नाम अभी हटा देती हूँ, ठीक है, ये भी हटा देती हूँ, बस आपको कोड दिखा देती हूँ कि क्या लिखना है, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा मेरे को, बिगिन फिगर सेंटरिंग इंक्लूड ग्राफिक्स, इसके अंदर मेरे को उसकी डायमेंशन देनी पड़ेगी फिगर की, और यहाँ पर जो भी फिगर में यहाँ पे आएगा अभी नाम जो मैं इसको अपलोड कर लूँगी यहाँ पे आके वो दिखेगा आपको, वो फाइल नेम यहाँ पे लिखना है, फिर उसका जो भी कैप्शन देना चाहते हैं, उसका जो भी लेबल देना चाहते हैं, और एंड 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 फिगर कर देंगे हम, ठीक है। तो हम इसको पहले अपलोड कर लेते हैं, जो भी हमें फिगर चाहिए, सेलेक्ट अ फाइल मैंने पहले से करके रखा था, ये है मेरा फाइल, ठीक है, ये अपलोड होगा, ये अपलोड हो गया, ये इसका नाम देख लीजिए, bee.png। ये एक मेरे पास एक फ्लो चार्ट था, दूसरी पेपर का था, तो मैंने सोचा इसके अंदर आपको इनपुट करके दिखा दूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर ही देगा, तो मैं अभी आपको रन करवा के दिखा सकती हूँ, एरर देगा कुछ, क्योंकि फिगर है नहीं ना इसमें, ये रेड कलर दिखा रहा है, इसका मतलब एरर है। ये देखो इसमें लिखा है फाइल नॉट फाइंड फाउंड, बिकॉज हमने फाइल दिया ही नहीं है और ना कोई फिगर आया है। अब मुझे फिगर लाना है तो मैं क्या करूँगी, अपने आप जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये जो यहाँ पे मैंने अभी अपलोड किया है वो यहाँ पे आने लगेगा, और अगर इनकेस नहीं आता तो आपको टाइप करना है ये नाम bee.png, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ, अब अगर मैं इसको रिकम्पाइल करूँ तो आप देखिए फिगर कैसा दिखेगा। कि देखिए इस प्रकार से फिगर आ रहा है, लेकिन ये तो आधे पेज से कट रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बेसिकली इसकी हाइट और विड्थ में स्पेसिफाई कर देना चाहती हूँ। हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर्स कॉमा इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स, और इतना लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको रिकम्पाइल करूंगी, सेंटर्ड तो है ही, सेंटर में आएगा ये इसके ये देखिए ऐसे दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है ये, और ये लिख दिया हमने, और फिगर फिगर एंड करना पड़ेगा हमको। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, जब बिगिन करते हैं तो उसको एंड करना पड़ता है, नहीं तो एरर देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दी मैंने। हाँ, अगर अब मेरे को एक और फंक्शन आपको बताना है कि अगर मेरे को कोई भी लाइन है इसके अंदर, मेरे को उसको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को मुझे बोल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये लिखना है मेरे को टेक्स्ट bf एब्स्ट्रैक्ट की जो क्या बोल्ड में आ जाएगा। अगर मैं इसको बोल्ड नहीं लिखती और मैं ऐसे ही लिख देती इसको, ठीक है, तो देखिए फर्क क्या आता है। ये देखिए
ये एरर दिखा रहा है, तो ऐसे दिखा रहा है हमको, ठीक है, कि अभी भी एरर ही है ये। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, टेक्स्ट BF, ये एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब आपको दिख रहा है ऑन द राइट हैंड साइड कंपाइलर में कि वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर नेस्टेड बना दूं, मतलब मेरे को ये जो लाइन है ना, मुझे ये लाइन को अंडरलाइन भी करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मेरे को कोड लिखना होगा अंडरलाइन बैक स्लैश टेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड वन मोर एंड नाउ जस्ट अ मिनट, बैक स्लैश तो लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो अब आप देखिए कैसा दिखेगा, अंडरलाइन हो गया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए ये एप्लीकेशन से मेरे को इसको इटैलिक्स में लिखना है, तो इटैलिक्स में लिखने के लिए हमारा जो इसका सिंटैक्स है बेसिकली वो क्या है, स्लैश EMPH और आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स पे कर सकते हैं, रिकम्पाइल करेंगे तो आपको दिखेगा एप्लीकेशंस क्या है इटैलिक्स में दिखेगी, ये देखिए ये एप्लीकेशन इटैलिक्स में दिखेगा। इसका एक और कोड है जो हम यूज कर सकते हैं, जिसका जिसको लिखते हैं टेक्स्ट TEXTIT, इससे भी सेम फंक्शन ही होता है, आप इसको रिकम्पाइल करेंगे तो ये भी आपको एप्लीकेशंस इटैलिक्स में ही दिखाएगा। तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके लिए इसमें, थैंक यू।